ये है दोस्तों हमारा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप। आप लोग बने रहिए, अभी हम जाएंगे इसको मोटो ब्लॉगिंग का टेस्ट करने के। साला ये कहां से लगा रहा भड़ुआ पाई का साला। हाय दोस्तों, आपको स्वागत है मेरा और एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ और एक नया सा लोकेशन पे, और ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरा छोटा भाई है जो कि कैमरामैन है, और आप लोग देख सकते हो मैं आया हूँ मेरा गांव का एक मतलब आप लोग बोल सकते हो एक जंगल है वो लोकेशन पे आया हूँ दोस्तों। और ये है दोस्तों हमारा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मोटो ब्लॉगिंग सेटअप करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये हेलमेट में इसका जो एक्सेसरीज वगैरह है इसको कैसे सेटअप करेंगे, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ दोस्तों इसको पहले लगाना है ऐसा। तो मैंने इसको लगा दिया कुछ ऐसा, आप लोग देख सकते हो ये होल दिख रहा होगा, इसको ऐसा लगा दिया। उसके बाद दोस्तों इसको लगाना है। ठीक है, आपको इसको यहाँ से डालना है, उसके बाद इसको थोड़ा टाइट कर लेना है। मैंने इसको टाइट कर लिया दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसको लगाना है। इतना भी हार्ड नहीं है दोस्तों, बहुत आसानी से कोई भी इसको लगा सकता है। उसके बाद ये है दोस्तों जो हेलमेट का जो स्टैंड होता है, इसको ऐसा लगाना है, ये देखो। तो अभी हम इसको साइड में करेंगे क्योंकि इसका सेटअप हो चुका है दोस्तों। और अभी ये हेलमेट में ये जो एयरफोन्स को अंदर कैसे रखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा कुछ ऐसा ये जो माइक्रोफोन को थोड़ा साइड में लेके इसको ऐसा करता हूँ, उसके बाद इसको ऐसा राउंड घुमा के, हाँ बस इसको थोड़ा लंबा छोड़ देंगे क्योंकि ये आके मोबाइल में अटच होगा। उसके बाद ये थोड़ा माइक्रोफोन को साइड में लगा के आप लोग देख सकते हो मैं इसको इसका अंदर डाल देता हूँ ऐसा। जैसे कि ये माइक्रोफोन बाहर निकल के आएगा, ये देखो दोस्तों। उसके बाद ये जो लंबा से ये वायर निकलेगा तो ये ऐसा जाके यहाँ लगेगा, जिससे कि स्टैंड में मोबाइल में लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं ये स्टैंड को ये हेलमेट में अभी मैं लगा रहा हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये है मेरा सेटअप हो गया है, और ये भी थोड़ा पूरा टाइट है दोस्तों। अगर हम यहाँ मोबाइल लगाएंगे तो ये नहीं गिरेगा, और आपको कुछ ऐसा लगाना है, आप इसको देख सकते हो कुछ ऐसा लगता है इसका जो डिज़ाइन है। इसको थोड़ा पूरा टाइट रखना है दोस्तों, ताकि जब मोबाइल ऐसा यहाँ लगाओगे तो ब्लॉगिंग करने के टाइम में मोबाइल ना गिरे। अगर गिर जाएगा तो मोबाइल टूटने के बाद चांसेस बहुत हो जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी ये मोबाइल को हम यहाँ सेटअप करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको जो किसका कैमरा है मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसको वीडियो में जाके थोड़ा वाइट एंगल पे जाता हूँ। उसके बाद देखो ये मोबाइल को यहाँ ऐसा चिपकाना है, इसको चिपका दिया दोस्तों मोबाइल को। ठीक है, मोबाइल को चिपका दिया। उसके बाद ये जो इसका जो फिन है ना, इसको यहाँ लगाना है, ये देखो कुछ ऐसा। उसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप, आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम इसको अभी जाएंगे, उसके बाद इसका मोटो ब्लॉगिंग टेस्ट करेंगे। पहले करेंगे हम थोड़ा देखेंगे उसका माइक क्वालिटी कैसा आ रहा है, उसके बाद इसका जो एंगल कैसा आ रहा है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है ना। अगर देखो एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ऐसा लगाऊंगा हेलमेट को, ठीक है, ऐसा लगाऊंगा तो क्या है ना, मेरे को ठीक से नहीं दिख रहा है कि ये मतलब कितना एंगल, मतलब कौन सा एंगल में वीडियो जा रहा है और कितना ये एरिया कवर कर रहा है, मेरे को पता नहीं है। उसके बाद अभी जाएंगे थोड़ा ट्रायल करेंगे इसका जो वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, उसके बाद इसका जो ऑडियो क्वालिटी वो कैसा आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए, अभी हम जाएंगे इसको मोटो ब्लॉगिंग का टेस्ट करने के लिए।
सो गाइस मैं अभी बाइक चला के मैं अभी ये मोटो ब्लॉगिंग का मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी हेलमेट लगा देता हूँ। सो गाइस अभी मैं मेरा हेलमेट लगा लिया है, उसके बाद ये कैमरा को भी थोड़ा स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों चलिए अभी जाएंगे टेस्ट में, ठीक है। सो गाइस ये है हमारा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप, आप लोग देख सकते हो। और मेरी को आइडिया नहीं है कि इसका वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है कैसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसका जो वीडियो का एंगल है वो कैसा आ रहा है वो भी मेरी को आइडिया नहीं है, प्लीज़ मेरी को बताना। तो अभी हम इसको कुछ दूर जाके अभी हम उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके कुछ दूर जाके हम इसको देखेंगे कि इसका वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है कैसा नहीं है, उसके बाद इसका जो वीडियो का जो एंगल है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। सो गाइस अभी मैं 80 के ऊपर से जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो मैं 80 के ऊपर से जा रहा हूँ। और आप लोगों को मेरा वॉइस क्वालिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है दोस्तों। मेरे को भी पता नहीं है कि मेरा वॉइस क्वालिटी आप लोग के पास पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये कैमरा का स्टेबिलिटी है वो कैसा आ रहा है और इसका जो एंगल है वो कैसा आ रहा है मेरे को पता ही नहीं है, बस मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि इसका स्पीड जाने से इसका वॉइस क्वालिटी कैसा है कैसा नहीं है वो टेस्ट करने के लिए। साला ये कहाँ से ले गया रहा भड़ुआ पाई गया साला। ये हो गया दोस्तों हमारा गांव का जो मेला, आप लोग देख सकते हो यहाँ थोड़ा भीड़ रहेगा, थोड़ा स्लो जाना ही सही रहेगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो चारों तरफ लोग ही लोग दिखते हैं। सो गाइस आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरा जो हेलमेट का जो सेटअप वगैरह है वो कैसा है, उसके बाद मैं कौन सा बाइक से मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा बाइक है और ये मेरा नॉर्मल सा हेलमेट। प्लीज़ आप लोग मेरे को बताना कि मेरा वॉइस क्वालिटी कैसा था और मेरा वीडियो का एंगल कैसा था और मेरा वीडियो क्वालिटी कैसा था, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, उसके बाद मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं और अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।